नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व मकर राशि के लिए अगस्त 2021 का राशिफल। अगर आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी मकर राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त के माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा मकर लगन व राशि पर। शनि महाराज मकर राशि में विद्यमान है वक्री अवस्था में। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में विद्यमान है कुंभ राशि में वक्री अवस्था में। पंचम भाव में राहु हैं। माह के आरंभ में सप्तम भाव में कर्क राशि में सूर्य व बुध की होती। उसके बाद 16 अगस्त के बाद सूर्य जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां उनकी मंगल व बुध के संग युति हो जाएगी। और उसके बाद माह के अंत तक सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, और बुध जो है आगे चलकर 26 अगस्त से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी शुक्र के संग युति हो जाएगी। इस प्रकार आपके भाग्य भाव में शुक्र और बुध नीच वंग राजयोग बनाएंगे, और एकादश भाव में वृश्चिक राशि के केतु विद्यमान है। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। मकर लगन के लिए अगस्त का माह कैसा है? मेरा मानना है कि मकर लगन के जातकों के लिए अगस्त का माह थोड़ा सा सावधानी रखने का है। मैं ये नहीं कहती कि अगस्त के माह में आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन होगी, लेकिन तब भी ओवरऑल ग्रहों की जो पोजीशन है वो इस बात का संकेत दे रही है कि आप अपने काम से जुड़ी हुई किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। एक तो काम में किसी प्रकार का जोखिम ना लें, विशेषकर 10 अगस्त तक जब तक आपका दशमेश शुक्र जो है अष्टम में रहेगा, तब तक आप अपने काम को लेकर परेशानी ना किसी प्रकार की वो है लापरवाही ना करें। और उसके बाद क्या होगा कि आपका दशमेश शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि में जाएगा। तो दशमेश शुक्र का अपनी नीच राशि में जाना और दशम से द्वादश में होना इस बात का संकेत देता है कि काम में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना बनती है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी जब 26 अगस्त को बुध जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वो शुक्र के संग नीच भंग राजयोग बना लेंगे, जिससे शुक्र की नेगेटिविटी बुध जो है खत्म कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इस माह में आपको 26 अगस्त तक का समय ऐसा है कि काम को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, कोई जोखिम ना लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके काम की जगह पर कोई छुपे हुए शत्रु आपको परेशानी ना करें, कोई आपके काम की आपके खिलाफ कोई शिकायत ना कर दे, कोई आपको आपके मन से अपनी कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश ना करें। 26 अगस्त को जब नवेश बुध का दशमेश शुक्र के संग नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो वो आपको राहत देगा। तो ऐसा लगेगा क्योंकि माह के आरंभ में आपका जो भाग्येश बुध है वो भी कुछ कम अष्टम में होगा, पहले कर्क राशि में और फिर अष्टम में। तो माह के आरंभ में आपका कुछ भाग्य भी कुछ इस बार कमजोर रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 26 अगस्त के बाद स्थितियां तेजी से अच्छी होंगी। 26 अगस्त से 21 सितंबर वो समय है जब आपका भाग्येश बुध जो है स्वराशि का रहेगा, और ये वो समय होगा जब तक धीरे धीरे कर सूर्य भी अपनी अच्छी पोजिशन में आ जाएंगे और ओवरऑल दशमेश शुक्र की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो ये अवधि वो होगी 26 अगस्त से 21 सितंबर तक कि इस अवधि में आपके पास अगर जॉब नहीं थी तो आपके पास जॉब मिलने के अवसर भी आ सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस माह काम को लेकर किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेनी और शत्रुओं से सावधान रहना है। इसलिए कैरियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस माह ना लें। आप अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगस्त के माह में जॉब ना बदलें, और तब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी हो और आपको लगे नहीं मैं तो जॉब बदलना ही चाहता हूं, और इसी प्रकार कैरियर से जुड़ी कोई आपकी प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस दीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगी कि आपको आपकी बर्थ कुंडली जन्म कुंडली के आधार पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि मकर लगन का स्वामी शनि जो है इस समय वक्री चल रहा है। जब आपका लग्नेश वक्री चलता है तो ऐसा होता है कि आपके हेल्थ में अचानक ही ऐसी समस्या बन जाती है कि आपकी जो पहली पुरानी बीमारियां थी जो आपको परेशान कर चुकी हैं वो बीमारियां वापस लौट के आ जाती हैं। इसलिए आपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अगर आप मकर लगन और राशि के जातक हैं और सरकारी नौकरी में हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि 16 अगस्त के बाद सूर्य जो है अष्टम में चले जाएंगे, जाएंगे तो अपनी स्वराशि के, लेकिन तब भी सरकार से जुड़े काम में किसी प्रकार की सावधानी रखने की जरूरत है कि किसी बात को लेकर आपके खिलाफ कोई बात ना हो जाए इस तरीके की कोई बात, क्योंकि ये सूर्य के साथ यहाँ पर बुध भी होंगे, क्योंकि बुध जब अष्टम भाव में होते हैं तो
अगर जैसे किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, शत्रुओं से कोई परेशानी चल रही होती है, तो शत्रु उस समय बलि होने की कोशिश करता है। तो इसलिए 16 अगस्त के बाद सरकार से जुड़े काम में भी सावधानी अपने को रखने की जरूरत है। धन के लिए समय हमारे लिए शुभ रहेगा, क्योंकि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह हैं वो हमारे धन के भाव पर रहेंगे, और लाभेश मंगल जो है अष्टम में रहेंगे, जहाँ से उनका संबंध गुरु से भी बनेगा, और लाभेश मंगल की अपने ही लाभ भाव पर दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4 और एकादश भाव में वृश्चिक राशि के केतु बैठे हैं, तो आपको धन संबंधी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कैरियर को लेकर थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो 16 अगस्त तक जब तक सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव रहने की संभावना है, और इस माह आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता परेशान कर सकती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु है और पंचमेश शुक्र जो है अपनी नीच राशि में रहेगा, तो संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है, या संतान के साथ आपका किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। पंचमेश अपनी नीच राशि में जा रहा है, इसलिए प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी आने की संभावना बनती है। पूरे माह मंगल जो है अष्टम में रहेगा और आपकी वाणी भाव को देखेगा, जिसके कारण आपकी क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही अष्टम भाव में मंगल और सूर्य का गोचर इस बात का संकेत देता है कि किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना यानी आग से कोई प्रॉब्लम होना, आग से जुड़ी दुर्घटना या किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बनती है। इसलिए वाहन भी सावधानी से चलाइए, दुर्घटना से सावधान रहिए। और 16 अगस्त के बाद जो पिता का कारक सूर्य अष्टम में जा रहा है और उसकी मंगल की संयुक्ति हो रही है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मकर लग्न में बाधा स्थान का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मकर लगन व मकर राशि के जातक अगस्त के माह में कैरियर को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बदलें और कैरियर से बड़ी कोई विशेष प्रकार की जोखिम ना उठाएं। जैसे मेरा मानना है कि अगस्त के माह में आपको जॉब नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन अगर आपका जॉब बदलने का मानस है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आपको सही सलाह देने की कोशिश करूंगी। अब हम देखते हैं कि इस माह अगर आपको कोई काम करना है, व्यापार के संबंध में कोई डिसीजन लेना है, तो आपके लिए शुभ तिथियां कौन सी होंगी काम को सही ढंग से करने के लिए, वो शुभ तिथियां रहेंगी 4 व 5 अगस्त, 6 व 7 अगस्त, 8 व 14 अगस्त, 15 व 16 अगस्त, 17 व 20 अगस्त, 21 व 25 अगस्त व 26 अगस्त वो शुभ तिथियां हैं कि इन दिनों अगर आप काम करने का विचार करते हैं तो सफलता मिलेगी। अब मैं आपको सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ अगस्त के माह में, जब चंद्रमा आपका 4वां, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा आपका मेष का, सिंह का या धनु का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा, तो भूलकर भी इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। तो सावधानी रखने के दिन हैं 1 व 9 अगस्त, 10 व 11 अगस्त, 18 व 19 अगस्त, 27 व 28 अगस्त। तो दर्शकों, मेरा राशिफल था मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए। अगस्त के माह में कैरियर को लेकर किसी प्रकार की जोखिम ना उठाएं, जो जॉब कर रहे हैं उसे करते रहें, और अगर आपको जॉब की तलाश है तो तब भी इस माह जॉब मिलने की संभावना इतनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अगस्त सितंबर अक्टूबर में संभावना ऐसे आ रही है कि आपको जॉब मिल सकती है, और आप अपनी सितंबर अक्टूबर में आप अपनी जॉब भी बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा कार्य को लेकर सचेत रहें, क्योंकि इस माह दशमेश शुक्र भी अपनी नीच राशि में रहेगा और सरकार का कारक सूर्य भी अष्टम में रहेगा, जिसके कारण थोड़ा सा कैरियर को लेकर आपको सावधानी रखने की जरूरत है, जिससे किसी प्रकार का कोई रिस्क और जोखिम ना हो जाए। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का शुल्क लागू नहीं होता, कोई फीस नहीं है, आप मुझसे एक प्रश्न बड़े आराम से पूछ सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।